हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ वीर कुमार, आप लोगों का देसी गिटारिस्ट। और यार थोड़ा लेट लेट वीडियो आ रहा है, समझता हूँ। थोड़ा कोशिश करूँगा यार, कोशिश तो करता हूँ पर हो जाता है, पता नहीं क्या है। चलो लेकिन अब कोशिश करूँगा। काफ़ी प्यार देते हो आप लोग। पिछला जो वीडियो डाला था राता लंबिया, ऐसे ही डाल दिया था, हालांकि बस डाल दिया था अब। लेकिन मैं सोच रहा था कि भूल गए होंगे आप लोग, लेकिन यार काफ़ी लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा भूल गए होंगे, लेकिन यार याद रखते हो आप। तो सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबका प्यार मुझ तक पहुँच जाता है। सबको यार थैंक यू, बहुत प्यार करते हो। मैं भी उतना ही करता हूँ जितना आप लोग मुझे चाहते हो, और यही जरिया है, माध्यम है हम लोगों का बातचीत करने का, सिखाने का, सीखने का, मिलने का। और क्या कहते हैं, कल हो ना हो सिखाऊंगा आज, और कल हो ना हो फिल्म से है। काफ़ी पुराना गाना है पर काफ़ी अच्छा गाना है, 200 साल बाद भी सुनोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। मायने भी है इस गाने के, लिरिक्स अच्छे हैं, कंपोजिशन अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, तो सिखाना बनता है। और दूसरा सबसे बढ़िया बात है कि जो जिस तरीके से मतलब इसके लीड प्ले कर रहा था, आपने सुन लिया परफॉर्मेंस में, तो बिल्कुल बेसिक से है, आसानी से आ जाएगा। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, कोई भी प्ले कर सकता है, आसानी से आ जाएगा। 1-2 घंटे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इसमें हैमर ऑन स्लाइड वगैरह कुछ नहीं है, और एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है तो। लेकिन मेलोडी इतनी अच्छी है कि मज़ा आता है सुनने में, प्ले करने में। तो आसानी से 1-2 घंटे के अंदर आप फिगर आउट कर लोगे, ईजिली आपको आ जाएगा प्ले करना। तो सीखना हम शुरू करते हैं। ये सेकंड फिंगर से ले रहा हूँ मैं, कहाँ पर, ई स्ट्रिंग पर, नीचे की 2 ही स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ मैं, ई और बी, ये दोनों। तो ई और बी, तो 8 फ्रेट से शुरू कर रहा हूँ सेकंड फिंगर से। तो इतना हर हर, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इतना, ठीक है, ला 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 ला, इतना, ठीक है। दिखा देता हूँ दोबारा स्लो, यहाँ से शुरू है हर, इतना कर लो पहले, फिर दूसरी लाइन भी सेम है। इसकी 4th फिंगर नहीं चलती, 3rd भी ले सकते, लेकिन कोशिश क्या, कभी तो प्रैक्टिस करोगे 4th फिंगर। तो स्लो ही प्ले किया करो, फिर दोबारा हर पल यहाँ, फिर यहाँ पे ऊपर चले जाता हूँ बी पे मैं, जी भर जियो, यहाँ पे 6 पे, सेम है समा, आ, तो कल हो ना हो, कल ना, एक और बार देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजीली बता दिया।
स्पीड हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो ऐसी पीस था ये तो ऐसे ही निकाले हुए, तो ठीक है। अब फर्स्ट पैरा पे आ जाता है, चाहे जो तुम्हें, ठीक है। यहां से 7 से और फिंगर्स देखो, सीधा 13 पे जाता हूं मैं, 13 12, और ये मुश्किल से सेम ऐसे भी बजा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ले सकते, ऐसा जो कोई कहीं है। ठीक है, नहीं तो चारों लाइन सेम रहेगी। उस हाथ को, ये सही में सारा, इसलिए मैं बताया बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। एक और बार दिखा दूँ ये, सेम है। ये ऐसे ही ले लेता हूँ, जो है समा, तो जो वो खींचते हैं भैया सोनू निगम, तो सिंपल भी ले सकते हो। अब तो यहां से 8 से फर्स्ट विंग, ऐसी क्वेश्चन, ये वाले ज्यादा सुना नहीं मैंने, बस ऐसे ही निकाल दिया मैंने। देख लो आप ऐसे, थोड़ा बहुत खुद भी निकालने का कोशिश क्या करो अगर पूरा समझ में नहीं आता है तो। अब सबसे बढ़िया आता है, ये वैसे प्ले करना है, टाइमिंग चलना चाहिए आपका, मन में गाना होना चाहिए, ठीक है। तो गाना होगा तो इजीली प्ले, अब तो गाना होना चाहिए उनमें। रूप जिंदगी छाओ है कभी कभी, है धूप जिंदगी हर पल यहाँ, जी भर जियो जो है समा, कल हो रहो।
ठीक है। हो नाउ सेकंड लाइन, स्लाइड भी कर सकते हैं लेकिन कर साए। ठीक है सेकंड लाइन, लाख संभालो। ये वो ये जो लिया था, अब चेंज है। दिल धड़ 13 पे, बस हो गया पूरा गाना, कोई मुश्किल था ही नहीं, है ना, बिल्कुल इजी। इसीलिए आसान सा, बिल्कुल टैब्स का वो लीड का बिल्कुल आसान से रखे हुए, बिल्कुल। तो दिल धड़ के इस पे यहां से 15 जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आ गया होगा ये लेसन आपको, और बहुत ही आसान है, बहुत ही कोशिश किया थोड़ा ठीक से सिखाने का। बाकी यार मिलते किसी अन्य विभिन्न दूसरे किसी वीडियो पे, लेसन पे।